एरिना टेलिभिजन देखिरहला सम्पूर्ण दर्शकबिनके हामी दुई हात जोडीके नमस्कार गर्छौं। दर्शक देखिरहला छ आफ्नो एरिना टेलिभिजन मिडिया फर युथ जेकि हाम्रो छिनके विभिन्न केबल अपरेटर माध्यमसे हाम्रो छिनके देशभर देखिरहला छ जनता। आरो विनिङ करिके हाम्रो छिनके www.erinatelevision.com.np लगन करिके तोरसिन संसारभर लाइभ प्रत्येक छिरपमे देखि सक्छै। आज रवि दिन छिकी सुरु भएको स्टोरी सियानके मनपसिन थारू भाषा कार्यक्रम हाम्रो समाज तोरसिन इटा थारू भाषा कार्यक्रम हाम्रो समाज प्रत्येक हप्ताके रवि दिन साँझ 6 बजेसे 7 बजे तक। आरो विनिङ करिके पुनः प्रसारण तोरसिन सोम दिना 3 बजेसे 4 बजे तक मात्र एरिना टेलिभिजन चाहिँ तोर्सिन देखे सक्छ। जेकि आज भर्खरै मौका पेले जनता तोर्सिन इटा थारू भाषा कार्यक्रम देखे लग्ना। जेकि हामी तोर्सिनके सबैसे पहिला हामी इटा कार्यक्रमके जानकारी देवे चाहन्छौँ। जेकि इटा कार्यक्रममे आफ्नै सिके समाजमे सङ्घर्ष गर्दै होला विभिन्न व्यक्तित्व सँगसँगै के बातचित आर ओइन गरिके एकटा विषयवस्तुमे रहिके विभिन्न थारू समुदायका गाउँमे जाके भी बातचित आर ओइन गरिके बनिया बनिया गीत सङ्गीत सुनाएके भी हम तोर्सिनके इटा कार्यक्रम मार्फत मनोरञ्जन गर्दै हेलुस। आज जेकि हामी स्टुडियोमे छी, जेकि स्टुडियोमे उपस्थित छिन्, जेकि आज हामी बाहर कथन नै जाके आज हामी स्टुडियोसे हामी आज एकजनाके हामी यतिकरा मेजवानके रूपमे हामी बोलालिस, जेकि स्वीकार गरिके एला छी। हामी ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देबे चाहन्छ। जेकि कोही नै हामीके सुनसरी जिल्लाके माओवादी केन्द्रके कम्पनी केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सभासद रहल छी। वे कोही नै हामीके सन्तोष थारूजी रहल छी। सन्तोषजी स्वागत छु कार्यक्रममे। धन्यवाद। कतनाके व्यस्त छ अखन? एकदम ठीक ठीके। भर्खरै चुनाव हो रहले। अब यहाँ किन हेलो चुनाव? चुनाव असले हेलो छ वाम गठबन्धनके तर्फसे। आ देशभरि एकटा मतलब माहौल बढिया छ अखन। जेकि पूर्व सभासद ई पारी कुन हेलो? ई पारी बा वाम गठबन्धनके तर्फसे मतलब एमालेके भागमे हम जे क्षेत्र हमर छ उटा परले इलोलसे इब्रिसाल चाहिँ समावेश छ। किनकि सुरु गर्ला एउटा राजनीतिक क्षेत्र देशन राजनीति खास क्याके मतलब माओवादी आन्दोलन सुरुवात के ताका जखनी मतलब किसान आन्दोलन मतलब गाउँघरमै सामन्त सहके मतलब कजान दबदबा तब भएभग मतलब उना देखिके एउटा मतलब उत्पीडनमै पर्ल आफ्नो थारू जाति मजदुर किसान सबके लागि मतलब लडै पर्थे अगाडि बढै पर्थे कहिके मतलब माहौल उभग सिर्जना भएर रहे कि नै लागिकै युवा नाके मतलब धरे नै रहे त ऊ खातिर एउटा परिस्थितिमा एउटा माओवादी आन्दोलनमै लाग्ने किनकि देखिरहला छ अपन सिके अखन माओवादी खास क्याके माओवादी आन्दोलन मेचेसी महाकाली तलक मतलब जतने जात जाति सौ रहे सौनाके मतलब एउटा पहिचान आ अधिकारके मुद्दामे मतलब सौना जनताके सचेत करल कि नम्बर एक आ दोसर बात मतलब सचेत मात्रै नै करल कि ओकरा अपन अधिकार मतलब किरङ्गके मिल्तो कहिके लडीके भिडीके अखने मतलब संविधानमे मोटा मोटी मतलब पूर्ण अधिकार त नै पेलो छ फिर भी मतलब बहुत अधिकार छ मतलब संविधानमे अखने मतलब पेल गेल छ ई खातिर मतलब हमे त बहुत असल देखिरहल छन्। जेकि अपने कम्पनी प्राय अपने कम बेसी आफ्नो सिके थारू समुदायसे उच्च स्थान तक पुगल छ राजनीतिक दलमे तैयो अपन सिके थारू समुदाय काम पाछु पर्ल काम आवाज उठाबि नै सक्छ ऊपर पुग्लना व्यक्ति सम जेरङ्कि मुख्य दोष त कुनै व्यक्तिके भन्दा पनि मतलब सिस्टमके दोष छ कि जेरङ्कि अब मतलब थारू एक दुईवटा व्यक्ति कोही मन्त्री हाव्यो कि कोही प्रधानमन्त्री हाव्यो कि कोही राष्ट्रपति हाव्यो कि समस्याको समाधान नै थिए मूल रूप से मतलब थारू सौना थारूकै मतलब आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबसँग के भएको छ चाहे ओकर मतलब अधिकार मिल्थे त ऊ खातिर मात्रै मतलब चाहिँ हाम्राका सम्पन्न हो जेरङ्कि उदाहरणको लागि तर जाके मठ मन्दिर मतलब मस्जिद आर विभिन्न चाहिँ बनाउन लागि चाहिँ अब राज्यकै कोषसे मतलब पैसा मिल्छ आफ्नो चाहिँ थारू नाके मतलब थान्ना देखे त अखने भरे मतलब कतौ गोरु चर्ते हेतु कतौ बकरी चर्ते हेतु कतौ बकरी बान्छे कतौ कुन जते त होइन त कारण कुन त भन्दाखेरि एउटा मतलब समग्र चाहिँ उना थान्नाको विकासकै निमित्त त नीतिगत हिसाबसे एकर्साको विकास गरे जति एकर्साको समर्थन एकर्साको विकास गरेको निमित्त मतलब राज्यकै आँख ओते पुगे पर्थे अथवा ओकर मतलब थान्ना विकास गरेको निम्ति निश्चित हिसाबसे मतलब बजेटिङ गरे पर्थ्यो उना नीतिगत निर्णय सब त कुछ नै भेले हाम्रा त कुछ नै मतलब पिने त यी खातिर मतलब जे मतलब नेतृत्वमा पुग्थे एकटा व्यक्ति नेतृत्वमा पुगे कुछ नै हेर्थे जेरङ्गी अखने पछिल्लो चरण संविधानमे मतलब खुसीको बात जेरङ्गी थारू आयोग बन्ले मधेसी आयोग बन्ले मुस्लिम आयोग बन्ले सबैको आफ्नो आफ्नो आयोग बन्ले नि त जेन बात मतलब सरकारमै मतलब हाम्रो सबैको समुदायको हिसाबसे मतलब पहुँच नै पुग्ले झन् त हाम्रा आयोग थ्रो से मतलब आफ्नो अधिकार आफ्नो मतलब कामकाज छ ओतै से मतलब लिए सक्छन्
कालकर दिन में तो इना नहीं रहे तो ये खातिर मतलब उपलब्धि चाहे जे जे ना हेल अखने कार्यान्वयन के पाटो में कार्यान्वयन नहीं हेल्क बाद में थारुना अथवा आरोना जाति मतलब हमसे कुछ नहीं पे नहीं कि मतलब महसूस क्या रहा है बिस्तारे बिस्तारे मतलब जैसे इना चाहे मतलब हमारा का पीवे देखिए थान दिने गप कर ले इना थान ना के विकास कर ना के इना जनता देखते कि अब वहाँ अपने से के थारू समुदाय से ऊपर के राजनेता सब देखते अखन ठगे के स्थिति में तो नहीं नेता देखल कि नहीं सरकार नहीं कोई ने तो ये खातिर हमर से चाहे बारम्बार कही रहल छे अखने जे नया वाम गठबंधन के सरकार बनली संस्कृति मंत्री छे जे संस्कृति मंत्रालय छे जे मंत्रालय अंतर्गत सौना मतलब जे कि बराचत विकास बोर्ड अथवा रामधुनी विकास बोर्ड अथवा चाहे पशुपति विकास बोर्ड अथवा एवं तरीका जितने मतलब धर्मावलंबी अथवा जितने मतलब सांस्कृतिक पक्ष के देखे वाला उटा मंत्रालय से उटा मंत्रालय अंतर्गत से एक मतलब जिनकी थान विकास बोर्ड पूर्वमर कर ना थारू अपना से खास क्या के मतलब थान पूजा कर सा पश्चिम मतलब थारू के दोसर से फिर भी पूर्वमर करना लागे थान आ पश्चिम में कौन छे कुनन कुनो संस्कार हेते हाँ कुनन कुनो छे ने तो ओहरेंग मतलब चाहे एक थान विकास बोर्ड छुट्टे होना चाहिए विकास बोर्ड मंत्रालय अंतर्गत इटा बड़का भारी वाला बात नहीं छे यार बराचत तर विकास बोर्ड बेसी दिन नहीं लाचे बनल पाँच छः वर्ष हेली भर्खर बनल लगेली मतलब बराह क्षेत्र एकदम विकेन्द्रित रही इतने मतलब आयत हावे बाहर से मतलब बाहर बाहर कर पर्यटक सब दुनियादारी सब लेकिन सरकार के आँख होते नहीं पुगल रहे लेकिन भर्खरै पाँच छ वर्ष मतलब उन्नाइस सौटा उठलके जे मतलब होना चाहिए बड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड छुट्टे होना चाहिए अखने गठन हेल से ओहरेंग मतलब एउटा थारू विकास बोर्ड नहीं मतलब थारू के थान्ना विकास बोर्ड ताकि थान्ना के निमित्त मतलब बनना चाहिए तो उटा आउ जे सरकार बनते उटा में हमरा से बातचीत राखला छे हमर से पार्टी के तरफ से अथवा सबना तरफ से हमर से जितने अखने नहीं संभव नहीं है वाला बात नहीं छे एक बोर्ड गठन कर लेकिन तो बड़का भारी वाला बात नहीं उटा तो मंत्री चाहते थे उटा बड़का भारी बात एकदम संविधान संशोधन करे वाला संविधान में लिखे वाला बात नहीं बोली मंत्रालय बना सकते सुनसरी जिला के केन्द्रीय सदस्य संतोष थारूजी संगे हमें बातचीत जोड़ी रहा छोर संगे हमें बातचीत फेन से जोड़े करबी अखन कर लगे एक छुमा व्यापारी विश्राम लेना चाहे कार्यक्रम के पैनखर व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करे चाहूँ तुरेसियान के मनपसंद थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में साथ दे रहा छू हमें तुरेसियान के संग हमें नीरज खवास और इतना खन हमारा कैमरा दिशन साथ दे रहा छी विनय कुशल आर जयराज जी ओकर सिंह के तीनों जना के बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहिए फिर से हमें बातचीत जोड़े चाहिए सुनसरी जिला के केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सभासद माओवादी केन्द्र के संतोष थारू जी संगे फिर से स्वागत छू कार्यक्रम में धन्यवाद जे कि वाम गठबंधन ये पारी माओवादी आर एमाले मिलने जे कि पारी चुनाव के जनता सम एकदम आश से कम वाम गठबंधन के जीतल के विकास हेती ई पारी से आप नहीं निश्चित रूप से मतलब जनता ना पहला अखन कर से आगू मतलब कहियो इटा सरकार कहियो उटा सरकार नौ नौ महीना में चेंज नौ नौ महीना में मतलब सरकार गठन विघटन कुनोर सरकार मतलब दीर्घकालीन हिसाब से योजना बनाने सके मतलब बड़का बड़का योजना योजना बनाओ सरकार ढली जाए कोनो काम करे चाहे सरकार ढली जाए तो ये खातिर इटा से आजित हाविके बात इटा से आजित हाविके मतलब वाम गठबंधन हमरा का बनाने माओवादी एमाले क्योंकि कम्युनिस्ट इतने छे 60-70% कम्युनिस्ट इटा देश में तर अपना के मतलब जहिया अल्पमत में रह जन तो मतलब कि रंग से विकास हेतु कह हमरा से वाम गठबंधन जखने बनाने तो तखने हमरा का कुन एजेंडा रखला रहन कि अपन से के एजेंडा दुईटा होना चाहिए एकटा आर्थिक समृद्धि एटा देश के मूल कुरा चाहिँ आर्थिक समृद्धि जब तक आर्थिक समृद्धि नहीं थे तब तक मतलब जनता अथवा देश विकास नहीं आ सकता ये खातिर आर्थिक समृद्धि राष्ट्रियता इटा राष्ट्र अखंड राष्ट्र छ कि इटा राष्ट्र में कखरो हस्तक्षेप कखरो कुन हमरा का नहीं इटा मान सकछन आ दोसर बात मतलब आर्थिक समृद्धि इटा दुईटा कुरा लेके हमरा का अगाड़ी जीव इटा दुईटा बात लेके अगाड़ी जीव तो मतलब देश विकास आवे सकछ हमर सके नेपाल मतलब छुट्टे नेपाल एकटा मतलब विश्व में चिन्हे वाला नेपाल हमरा का 10 वर्ष में बना सकछ त एहरे मतलब नतीजा फिर ठैक्कै वह परिणाम ओहरे निकलू माओवादी एमाले के दुईवटा के बहुमत
पुगिरहेको छ त यही खातिर अब अखने काङ्ग्रेस सरकार छोडेर किन्ने चाहिरहेको छ खास क्या के काङ्ग्रेस सब ठ्यारो पारिरहेको छ तर 15-20 दिन भ्यागले तर जाके परिणाम एल लेकिन फेरि भी मतलब सरकार छोडे नै चाहन्छ यिना बाध्यता यिना समस्या चाहिँ देशमै आइरहेको छ तथापि पनि हाम्रा यसै के मतलब मोडालिटी के भएको छ कि 5 वर्ष तलक वाम गठबन्धन के मतलब कन्टिन्यू सरकार रहती त 5 वर्षमै हाम्राका मतलब 5 वर्षमै जनता कुन कुन दिए सक्छन् 5 वर्षमै यिना अल्पकालीन योजना 5 वर्ष योजना त फेर 10 वर्षमै मतलब कुन कुन काम गरे सक्छन् यिनाको जन दीर्घकालीन 10 वर्ष 15 वर्ष 5 वर्षमै गरिसके बेला काम 5 वर्षभित्र पनि गर्वे अब 15 वर्ष 10 वर्षमा गरिसके बेला दीर्घकालीन योजना भने दुई खालको योजना चाहिँ वाम गठबन्धनको तर्फ से बन्न लगेको छ त सरकारी नेतृत्व पेथै मार्फत मतलब हाम्राका जनताके देखावे बेला चाहिँ काम कुन कुन गर्वी कुन कुन गर्छन् कहेके मतलब तुरुन्तै ओकराका रिजल्ट पेती लेकिन चुनावके समयमा वाम गठबन्धन एमाले र माओवादी जुटली जे कि जनतासम्म कम्नी भोट दिएको जिताबो गरेलकि अखने इनिङ सुन्न छैन फेरि यहाँ नै नै यहाँ त औ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति छ खास गरी मतलब छिमेकी देश भारत मतलब प्रत्यक्षै लागिरहेको छ मिडियामा हाम्रोका मतलब देखिरहेको छन् सुनिरहेको छन् कि मतलब कुनै पनि हालत चाहिँ वाम गठबन्धन नै बने ताकि एउटा देशमा अस्थिरता रहे जेर माओवादी काङ्ग्रेस सरकार बन्ती छन् त एउटा ग्यारेन्टी नै छ 5 वर्ष जति अथवा एमाले काङ्ग्रेस अथवा एमाले मधेसवादी दलकी सरकार बन्ती त ग्यारेन्टी नै छ कि मतलब जे 5 वर्ष जति किनकि बहुमत त प्रष्ट ककरो नै छ लेकिन बहुमत छ ककर छ वाम गठबन्धनके किनकि एकरा हाम्राका मतलब प्रतिबद्धता जनाउन रहेन कि कालुकिना एकैटा पार्टी बनाऊ हाम्राका 5 वर्ष तल कन्टिन्यू सरकार चलाऊ तोर्स्याके मतलब देश विकास दिशातिरमा हाम्राका जे विगतमै 9 महिना 10 महिना सरकारमै गर्नु उना काम 5 वर्षमै मतलब 10 गुणा बेसी हाम्राका करेसाकी कहेको एउटा प्रतिबद्धता जनाउने त जनताले भोट दिल के त आजखेन मतलब इटा कन्टिन्यू सरकार बन्ती 5 वर्ष 5 वर्ष एउटा मतलब समग्र देश विकास गर्थे तत्कालु आरएन पार्टी अथवा आरएन देश जे मतलब इटा देशमै आफ्नो सक देशमै खिचातानी अथवा ओकराका स्वार्थ लुटेक त यिना त मतलब करे नै पेथे त यी खातिर ओकराका मतलब जेनङ्के हेते माओवादी एमाले फुटोस् माओवादी एमाले एक ठाउँमा नै आओस् कहिके भ्रमित गरे लेकिन कुछ कुछ मतलब कुनै मतलब मिडिया सबै युज क्या के यिना भ्रम फैलाएर छ भर्खरै सुन्ला भए कालु पर्सु लगातार आज कन्टिन्यू त राजा केपी ओली प्रचण्ड अध्यक्ष मतलब एकरसा छलफल गरिरहेको छ कार्यदलको बैठक बोलाएर छ मतलब कार्यदल मार्फत हाम्रो सके यिना सौटा बाट टुङ्गो लाग्थे यतामा आते बेला कुन बातै नै छ हदिया बेला कुन बातै नै छ एकैछिन दुवै दिशा जा चाहन्छन् लेकिन चुनाव त ओरा गेली इटाके परिणाम भी चलेली अनि एउटा लफडा लागल छ नि दुबीमा भगवती चौधरी आएर विजय गर्छ कुन चाहिँ इटाके सर वास्तवमा इटा से अगाडियो के चुनावमा मतलब 2064 सालमा जखन चुनाव भेल रहे तखन मतलब विजय कुमार गजदार भगवती चौधरीके मतलब एकटा भिडन्त हेल रहे मतलब राजनीतिक हिसाबसँग भोटिङमा त तखनै मतलब जबरजस्ती प्रशासन प्रयोग क्या के तोरा जाके सबैके बाहर निकालिके तखनै मतलब विजय कुमार गहदारके जित्या देल गेल रहे टाइममा त भगवती त ओथिन गन्ती स्थल इब्री चोटी नै रहे पहिलकर र घटना बात कछु नम 64 सालके चुनावमा उभो करके लास्टमा जब भगवती जिते बेला स्थिति देखल कि त विजय कुमार गहदारके मतलब तखने त पावर रहे सौकुनो रहे दादागिरी रहे त सबैके निकालिके ओकरा जित्या देलके त उटा आशंका त रहबे करे नि अखनो त यी खातिर अखनो मतलब के भएको देखा देखल जे कि मतलब जेनकि 9 सिङ्गे भेटले मतपत्र अर्धकटी सहितके नै कुन मतपत्रमा तोरा जाके पैसा भेटे त मतलब यिना गडबडी के गरल कि कतैसिएले उना सिङ्गे मतपत्र कतैसिएले 9 एक छापे त यी खातिर आ फेरि एकटा बाकसमा हाम्राका स्वयं देख्ने कि मतलब सिलेट तोडल रहे त्यही खातिर यिना आशंका शङ्का आशङ्का कुन जन्मल छ कुन देखा पर्छ कि मतलब कहीँ फेर ऊ मतलब प्रशासनको दुरुपयोग क्या के किनकि ऊ त भालबला उप प्रधानमन्त्री रहे सरकार ओकरै रहे नै त यी खातिर मतलब उठानसे कहीँ गडबडी करल कि कहिके हाम्रोसँग मतलब आशङ्का वाम गठबन्धनके भगवती चौधरीके टिकट त उहे पेल रहे वाम गठबन्धनको तर्फसँग त यी खातिर एउटा निश्चित रूपसँग देखल जाए त मतलब गडबडी चाहिँ हेल छ भएको देखा पर्ल छ अब ओखने सर्वोच्चमा वाम गठबन्धनकै उम्मेदवार भगवती चौधरी सर्वोच्चमा मुद्दा हाल छ होइन अब सर्वोच्च कुन फैसला गर्छ उताको हाम्रो प्रतीक्षा छन् सायद हावे साग छ मतलब
रिकाउन्टिङ सम्भव नै हामीलाई त कुनै बाते नै छ, किनकि मतलब परवान सहित छ नि त, परवान नै बोल्छ त, परवान देख्लाको बादमा मतलब स्वाभाविक हिसाबसँग देख्ल जा कि मतलब सिल तोड्ल, दुनियादारी मतपत्र भेट्ल नै, त यी खातिर यिना मतलब परवान देख्लाको बादमा हावी सक्छ, किनकि तर जाके 64 सालमा सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 या 2 नम्बर क्षेत्रमा बि अथौ मतलब 2-3 चाहिँ उमे चाहिँ रिच इलेक्सन कर लगेला रहे, तो 5-2 महिना बाद रिजल्ट घोषणा कर रहे, त आखिरमा ऊ हरौँ त हामी सक्छ कुन क्षेत्रमा उकोर थारू समुदाय के नेता सम सभासद सम उम्मेदवार सम नै छि, कुन र एकेरा क्षेत्र से दुनोजना के एकेर समुदाय के व्यक्ति को उठा देसी नि कुन कहिता छ एटा गर्ने। अब यी भग अखने देख्लाको बादमा मतलब घर एकै ठाउँ पर्ले नै, जुन भगवतीयोकै घर दुबी नगरपालिका, विजय कुमार गस्दारको घर दुबी नगरपालिका, त यी खातिर चाहिँ अब त्यो छुट्टा छुट्टै क्षेत्र से भगवती भाटामसे राजनीति मतलब सुरुवात गरलके, विजय कुमार गस्दारो भाटामसे सुरुवात गरलके, लेकिन विजय कुमार गस्दार त पहिला मोरङ 700 बिजितल रहे नै, त यदि मोरङ 700 विजय कुमार गस्दार गेली हत्ना जन त मतलब हावी सक्छ कि दुईवटा थारू मतलब सांसद भेली हत्ना अखने दुईजना सांसद हावी सक्ल हेर्ना, लेकिन उटा मतलब उयो गरिने हिसाबले तर भगवतीकै हकमा त भगवती फेरि दोस्रो क्षेत्रसित राजनीति नै गर्ल छ, विजय कुमार गर्दार त एउटा नेसनल मतलब व्यक्तित्व आदमी चर्चित आदमी, ऊ त जतिसै मतलब चुनाव उठले त जितै सागल हेर्ना नि त, लेकिन ऊ मतलब ऊ भ्याटम खसर चाहिँ मतलब उना कुनको चाहिँ मुर्गा न लखान एक ठाउँ मतलब एकदम खेल्छु नि होइन, त उहाँ भयो क्या, त ऊ त मतलब राष्ट्रिय नेता एकैवटा क्षेत्रमा जुदे पर्ले त लडे पर्ले त कहिको जरुरी नै छ, त यही खातिर सबसे बड्का अखने मतलब थारू समुदाय चाहिँ मतलब उप प्रधानमन्त्री हेर्ल सब हिसाबसँग त विजय कुमार गर्दा चाहिँ, त इटा मतलब बुद्धि ओक्रा लगाना रहे, ऊ मतलब 7 नम्बर अखनकर मतलब मानले 6 नम्बर मोरङ्गे 6 नम्बर क्षेत्र गिलेना त उथौसे जित्दै सागल किन्न ऊ, अथवा अरू कुनै मतलब क्षेत्र पनि रोजे सागल गर्न, ऊ त भाल बेला उप प्रधानमन्त्री होला आदमी, लेकिन फेरि नै वाम गठबन्धन त ओहरेङ मतलब देशैभर माहौल हमर्साक पक्षमा रहे, यदि गडबडी नै हेर्ने त 3 नम्बर क्षेत्र हाम्रो जितले रहे, न त 300 तोरा जाके 21 मत चाहिँ हारे बेला स्थिति हेर्ले न, तोरा जाके यी बक्स देख्लको बादमा हाम्रा वाम गठबन्धन झन्डै 12-13 हजार से डाउनमा रहे, मतलब स्थानीय तहकै चुनावको परिणाम देख्लको बादमा, लेकिन नतिजा हाम्रा के भोग देखा दिने देखा त 3 हजार से हाम्रा लिड गरे कतै गेले ओत्ना भयो, चारै पाँचै घन्टामै हाम्रा जिरोमा झारिदियो कि, भनेपछि त कुनै कुनै खेल त हेल छ उटा भित्रमा नै, कुनै कुनै खेल हेल छ, अब के खेलल के उना खेल, अब मतलब सरकारमा ओख्रैका सेना ओक्रेसिया प्रहरी ओक्रेसिया के मतलब ब्युरोक्रेट ओक्रेसिया सौक छ आतम ओक्रेसिया, त यी खातिर मतलब 2000-3 हजार से लिड गर्ल वाम गठबन्धन कि किनकि झारल कि विजय कुमार गर्दा इटा सबका आश्चर्य 3 नौ निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै नै कि देशभरिकै जनता आश्चर्यचकित भएर होला, दुबिक जनता कुन कछु कुन छु दुबिक जनतामा इटा 3 नौ निर्वाचन क्षेत्रको जनता सबका कछु मतलब जित्ल त मतलब वाम गठबन्धनको उम्मेदवारै जित्ल छ, लेकिन परिणाम के भएको छ यसले उभग कहिले सौका मतलब आश्चर्य चकित भएर होला एकैछिन राजधानी दिशा नाम प्रदेश नम्बर 1 के राजधानी कुनटा सहर के बनाउन से उपयुक्त छ हाम्रो विचार से इटा सहर उटा सहर मतलब किताने विभाजित हावेसे भन्या जिरङ्गे अखने सायद भयो सायद आज मतलब सुनसरी तोक्ल गेल छ कि भोग मतलब सुन्ने हामी नै अब कतना सत्य छ सुनसरी यतिकर मतलब राजधानी सुनसरी हुन चाहिँ हाम्रो विचार से मतलब जिरङ्गे इटरी के सेन्टर बन्या के 25-30 किलोमिटर मतलब दायाँ बायाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यी बोकरलको बादमा जिरङ्गे धरान तक जा सक्छन् हाम्राका कुछ अफिस छ कुछ मतलब नै मतलब धरानमै राखि सक्छन् अथवा मतलब स्रोत साधन सब छ कुछ मतलब हाम्राका जिरङ्गे पश्चिमको लगबादमा झुम्कामा चाहिँ कृषि फर्म उतै राखि सक्छन् तरहराम चाहिँ कृषि फर्म उतै राखि सक्छन् यतै यसो 10-12 किलोमिटर तर जाके पूर्व गेलगबादमा तर जाके गोठगाउँकै विश्वविद्यालयकै भवन सब युज गरि सक्छन् 20 किलोमिटर दक्षिण गेलगबादमा विराटनगर के कुछ कार्यालय सब मतलब हाम्राका युज गरि सक्छन् यही खातिर मतलब एउटा कुनै निश्चित एउटा सहर नै कि मतलब इटरीकै सेन्टर बनाए क्या हाम्राका यदि चारोमर 20 से लिएर 30 किलोमिटर तलको रेन्ज लिए लगे बादमा मोटामोटी सौना समेट छ बोगक लाग्छ हाम्रा किनकि प्रदेशकै राजधानी बोगक
बात एउटा कुनो सहर मात्रै मतलब अखनकर मतलब क्यापेसिटी आउ नै छ बगल लाग्छ राजधानी कुन आवश्यकता छ एउटा ठाउँ जिरङ्गी एउटा ठाउँमै मानिलियो अखने त तर स्मार्ट सिटीको अवधारणा आनि रहल छ न त अखनकरले इटरी लेम अथवा विराटनगर लेम अथवा धरान लेम न त इना अखने मतलब जत्ने जनसङ्ख्या एउटा नगरपालिकामा छ त अखने यहाँके मतलब यहाँ जनताको मतलब धावे लगिन गाह्रो भएर रहल छ बाटघाट मतलब हरेक पानी सब चिज नै यदि राजधानी बनौलक बादमे त 14 जिल्लाके आदमीके आवत जावत सुरु हेतै त अखनकर मतलब इना बाटघाट से मतलब सम्भव छ नै छ त यही खातिर मतलब इटा सहर मात्रै धाने शक्ति कहिके मतलब जरुरी नै छ ओकर लागि मान लिए अखने मतलब इटरियम अथवा विराटनगरेमा अथवा धरानेमे ले 100 बिघा जग्गा हाम्राका कथौ खोजौँ त मतलब भेटे लेकिन गाह्रो छ नै एकै ठाउँ क्या इटरी नगरपालिका उपमहानगरपालिकाले खोजौँ त 100 बिघा जग्गा कथाउ नै भेट्थ्यो त्यहाँ सम्भवै नै छ ले कालीखनाले एयरपोर्ट बनाऊ जतै राजधानीले एयरपोर्ट चाहिएको नै चाहे त एयरपोर्ट मतलब बनाउने त कतै बनाउने ठाउँ नै छ ले बडका हस्पिटल बनाऊ न कतै बनाउने ले बडका सिटीके मतलब स्मार्ट सिटीके जगर अवधारणा छ न जतै मतलब 4 लेन बाटोघाटो न तरमे बाटो उप्रसे रेल हँ केहन भने सुने लगिन त मतलब सुने लगिन जतने बनिया छ बोले लगिन जतने बनिया छ त करे लगिन त ओतै मतलब ठेरो छ ओगर लगिन त हाम्रो सबै ठाउँ चाहिँ न अखने मतलब इटरीके मतलब बात लम अथवा विराटनगरके सौना मतलब बजार क्षेत्रमा टुक्रा टुक्रा छ 10 दुर 5 दुर 1 कठा अब जिर्दैक बाट लाजबा अब बहुते घर सब मतलब तोडे पर्थ्यो हँ त बनल सहर के फेर से मतलब रि स्ट्रक्चर करना त कजन अप्ठ्यारो वाला बात छ नि त फेर इना सहरके भी माइनस गरे लगिन त जरुरी नै छ क्या अखने बनल सहर त यहाँ छ कि धरान इटरी विराटनगर मानले यता गोठगाउँ न त्यही खातिर इना छेउछाउमा जे न मतलब बड्का बड्का खाली जग्गा सोच्छ उना जग्गाकै सदुपयोगमा आने पर्थ्यो त ओकर लगिन एउटा निकासके बिन्दु हाम्रा कुन लाग्छ जुन सुनसरी क्लियर भेलक बादमे मतलब इटरीकै सेन्टर बनाएके किनकि इटा त चौबाटो पर्लो नि त न त्यहाँ उमर पहाड कर्ना छौ नाच जिल्लाकै छु यो बेला इटरी यो मर्से पूर्व मर्से छु इटरी दक्षिण मर्से छु इटरी पछिल्लो मर्से छु द इटरी त यही खाले इटरीकै सेन्टर बनाएके अँ जोइन्ट इटा जोइन्ट मतलब एउटा ऊ राखेके 25-25 किलोमिटर चारौँ उमरले लग बादमा सबसे असल हेर्दै पुग्नु लाग्छ त विराटनगर समेट लज थिए मोटामोटी धरान इमर कुनको चाहिँ धनकुटो समेट लज थिए होइन इमर तर जाग्यो गोठगाउँ उमर तर बेलबारी त लग समेट लज थिए इमर विराटनगर समेट लज थिए त सबैको मतलब सम्पूर्ण आवश्यक छ 25-30 किलोमिटरले लग बादमा कभर लग बादमा सौना मतलब कार्यालय हो जेरि हाम्रो गरौँ नि मतलब अखने बनल स्ट्रक्चर छौ जेरि यता तरहराम स्ट्रक्चर छौ छ धरानमे छ गोठगाउँमे छ विराटनगरमे छ इटरियोमे छ झुम्कोमे छ त त्यहाँ एउटा ठाउँमा तोकिदेऊ त उठाउन नि पेतो जेरि विराटनगरै मात्रै राखौँ त विराटनगर मतलब धाने लगिन अप्ठ्यारो छ नै सक्थे धरानमै राखौँ धरानो नै सक्छ धरानमै त अखन गरे मतलब तर जत्ने ऊ छु नि जनता न एउटा नगरमे ओखरै पानी खुवाइ लगिन धोधो छ तर राजधानी बनाए त कतै पानी निको एकैछिन बातचित रोकेता छौँ तोसिन देखिरहला छ अखने थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज भी हामी आज बातचित जोडिरहला छ सुनसरी जिल्लाकै केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सभासद सन्तोष थारूजी हमरसँग बातचित जोडिरहला छ जेकि प्रत्येक हप्ताको रविदिन साँझ 6 बजेसँग 7 बजे तक तोसिनिटा थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज देखे सक्छ कार्यक्रममा फेन्स हामी एउटा चुम्मा व्यापारिक विश्राम लिन चाहन्छौँ कार्यक्रमको दोस्रो व्यापारिक विश्रामके बाद फेन्स स्वागत गर्न चाहन्छु तोरी सानको मनपसिन थारू भाषा कार्यक्रम हाम्रो समाजमा प्रत्येक हप्ताको रविदिन साँझ 6 बजेसँग 7 बजे तक एउटा कार्यक्रम तोसिन देख्न सक्छ हामी बातचित जोडिरहेको छौँ सुनसरी जिल्लाके केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सभासद सन्तोष थारूजीसँग हामी बातचित जोडिरहेको छौँ सन्तोषजी फेन्स स्वागत छ कार्यक्रम धन्यवाद राजनीतिक तहु लाग्ल छ जेकि तरु परिवार कहौँ दुनोजना राजनीतिक दिशा लागिरहेको छ किन एउटा राजनीतिक दिशा छिरन कतनाकै सजिलो छ कतना गाह्रो छ एउटा बहुत मतलब राजनीति भन्ने बित्तिकै राज्यका नीति वेरै मतलब कठिन शब्दै कठिन छ झन् मतलब जीवन व्यवहार लाग्ने असल छ नै मतलब अब कोही भी लागे सक्छ होइन मुख्य बात त मतलब राजनीति त सबसे पहिला त बुझे पर्यो राजनीति के भएको छ राजनीति जकसँग धन सम्पत्ति टन्न छ अगार छ
नै एउटा त मतलब सामन्तवादी व्यवस्थामा उभक रहेको जकरा बहुत जग्गा रहेको जे जमिनदार रहेको ओकराका राजनीति गरेक होइन औ पुँजीवादी व्यवस्थामा जकर जकरसँग बेसी पुँजी छ ऊ राजनीति गरे बेला बोकक मतलब सोच एउटा सोच सोचकै बात छ कि हमरा नै लाग्छ मतलब सम्पत्ति हाय बेला मात्रै मतलब राजनीति गर्छ यदि एकदमै आर्थिक के चलखेले छ नि हौ यिनै मतलब वा त इटा मतलब चुनाव जेरा सिस्टम छ नि इटा सिस्टम चाहिँ मतलब परिवर्तन करे पर्थे मतलब क्या कि चुनाव में नेता ना मतलब पैसा खर्च करे बेला अथवा पार्टी ना पैसा खर्च करे बेला वह तो जे जे ना पैसा खर्च करते तो निश्चित रूप से वो अपन पैसा कत से निकाल गई सोचते देश के विकास नहीं आवि सकते तो ये खातिर खास करके माओवादी हमारे साथ इटा लाइन से एल छिन इटा मतलब ट्रेन से हुर्कल छिन कि जे ट्रेन से मतलब राजनीति भनेको त मतलब समाज सेवा छ कि देश विकासकै निमित्त जनताकै मतलब न्याय दिया दिएको लगिन मतलब राजनीति गर्छ लेकिन इटा मतलब जे विकृत राजनीति छ जे सामन्ती व्यवस्थामा आवेक राज राजा जख्ने रहेको उटा कालमा जख्ने आवेक उटा ओहोर राजनीति बेठिक रहेक अखनकर चुनावमा जे जे ट्रेन देखा पर्लु नि पैसा नै आयो कि त कोही मतलब चुनावै लड नै सके बेला अवस्था यो र गलट रहेछ कि एउटा दुई ट्रेनकै मतलब सोचि आयो पर्थे आगामी दिनमै जुन यो हाम्रा उठाएर रहेछ नि प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपति नै पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था मानिलिए समानुपातिक पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था हेलक बादमा त कोही व्यक्ति हामी जित्यो गएको जरुरी नै छ पार्टी छनौट क्याकै पठाते नै अब कार्यकारिणी राष्ट्रपति जुन कि हेलक बादमा त एकजना नै उम्मेदवार रहे त ऊ मतलब पाँच वर्ष होल्ड गर्थे देश मतलब देश किन विकास गर्ने त यिनी दुईवटा चिज हेलक बादमा यिनी सबटा ओह्रथे अखने त व्यक्ति आफ्नो मतलब प्रभाव देखाउ लगिन बि मतलब कन्या खर्च गरिसक्यो चाहे जग्गा जा चाहे मतलब जे हावेस लेकिन चुनावमा पैसा खर्च गरे पर्थ्यो किनकि एउटा संस्कारकै रूपमा जेरो हो मतलब अगाडि बढिरहेको छ एउटा गलत छ कि एउटा एउटा ट्रेनकै अपनाका निरुत्साहित गराइ पर्थे नाक त एउटा ट्रेनकै निरुत्साहित नै गरे त राजनीति व्यापार भए जस्तो फेर राजनीति व्यापार हे त देश विकास किन वा त मतलब उटा एउटा ट्रेन वा त गर्छु एउटा ट्रेनकै रोकै पर्थे किनकि यति रोकै पर्थे बोले नै रोक्वा झन् त मतलब जनता न फेर दुःख पेथे जिरङ पहिला पेल्की नि आउ अखने संविधान बनले आउ संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ त फेर दुःख पेथे त एउटा मतलब राजनीतिक परिवर्तन के मतलब कुन अर्थ भेले देशमा तर गणतन्त्र अहिले संविधान नयाँ बन्ले सबैको पहिचान एड्रेस अहिले सबैको अधिकार एड्रेस भएरल छ नै त यिनी सबटा चिज जे मतलब उपलब्धि अहिले त मतलब आफ्नो जनजीविकामा त मतलब परिवर्तन त हुन चाहिँ आदमी के जे हामी कालो कुन रहेन आज कुन हेने कालो हाम्रो बेटाबेटी पढे नै पाए आज पढेपछि कालो हाम्रो बेटाबेटी हर जोतेको आज डक्टर हेर्छ इन्जिनियर हेर्छ यिनी परिवर्तन त दिए सके पर्लु नि कालो मतलब जस्तै थालो बाटोमै लरेक आज मतलब ग्राभेल अथवा कालो पत्रीमा हिँड्छ त यिनी परिवर्तन हाम्रो सायद दिए पर्थे त दिए लगिन इटा मतलब संस्कृति जे संस्कृति छु इटा संस्कृति नै हेर्थे नेपालकै बेरोजगार कतना छि कया हट्ती इटा बेरोजगार अब बेरोजगार मुख्य त वाम गठबन्धन सरकार बेरोजगारकै सबके रोजगार देवेको वा त जेनकि अखने भर्खरै सुन्छन् कि चाइना लगानी गर्न लागि तयार छ इन्डियो लगानी गर्न लागि तयार छ ठुल्ठुलो बड्का बड्का चाहिँ उद्योग कल कारखाना सब खोल्बी कहेके मतलब सोच बनाए रहल छ त ओकरो सेके मतलब कुन रहे कि मतलब स्थिर सरकार नै आयो अब जे हामी सुनल रहन चाहिँ एउटा मतलब चाइनिज व्यापारी छौ भर्खरै मतलब मन्त्रालयमा आयो कि एउटा समझदारी गरौँ कि हाम्राका उद्योग कल कारखाना खोरौँ ऊ फेर मतलब समझदारी क्याके उतै गेले कुन चाहिँ आफ्नो देश गेले आफ्नो देश चाहिँ दुई महिना तिन महिना चाहिँ सौ न आऊ चाहिँ खोल्बी आऊ मतलब प्रक्रिया पुरा भए गेले आऊ खोल्बी कहिके यसै त मतलब मन्त्रालयमा चाहिँ मन्त्री नै दोस्रो मन्त्री आयो कि फेर ऊ ओकरा बुझाओ फेर त यही खातिर मतलब अस्थिर सरकार जे हेले नि एकर कारण चाहिँ मतलब देशमा बड़का बड़का उद्योग कल कारखाना सब भित्री आवे लगिन नै साक लगिले त यही खातिर मतलब युवा ना बेरोजगार रहले युवा सब दोसर देश गेले त आउ मतलब जे वाम गठबन्धनको सरकार मतलब बने लगिन जा रहल छ एउटा सरकार बन्थे त बड़का बड़का उद्योग कल कारखाना सब मतलब गाउँमा कुन कुन ठाउँमा कुन कुन खोले सक्छन् कृषि क्षेत्रमा कुन कुन गरे सक्छन् यिनी लगानी उतै फोकस हेते त उतै फोकस हेलक बादमा त मतलब निश्चित रूपसे बाहर काम जेबा आफ्नै गाउँठाउँमा त्यहाँ पेबा सौको छु झन् त बाहिर जाएको त कुनै जरुरी नै छ त ऊ खातिर रोजगारी आफ्नै देशमा सिर्जना हेतै आऊ त यही खातिर बाहिर जाएको कुनै जरुरी नै रहे यो पालि वाम गठबन्धन छ के प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति त औसे बिहेभियर गर्थे अघि नै ठ्याक्कै मतलब यो प्रधानमन्त्री वे मतलब
राष्ट्रपति कहे के वाम गठबंधन के कार्यदल में निर्णय नहीं हेल मोटामोटी कोई आवश्यक मतलब वाम गठबंधन से हेते इटा मतलब निश्चित से ना लेकिन अखने प्रधानमंत्री किए हेते राष्ट्रपति किए हेते मुख्य कुरो तो अखने जिन की जिन राष्ट्रसभा के विवाद चले ना तो राष्ट्रसभा के विवाद शायद आज राष्ट्रपति सामान्य राष्ट्रपति से मतलब स्वीकृत है तो एटा राष्ट्रसभा के विवाद ओरले तो आ राष्ट्रसभा के विवाद ओर लोग बाद में प्रतिनिधि सभा पूर्ण हेतु राष्ट्रसभा के चुनाव हेतु नया सरकार बने प्रक्रिया में जेत तकर बाद ने मतलब ककरा प्रधानमंत्री बनवाए ककरा राष्ट्रपति बनवाए ककरा सभामुख बनवाए तो इना मतलब आंतरिक गृह कार्य भैरल एक विजेता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है राष्ट्रपति विजेता हावी के खास क्या के युवक देख अपन सिया के देश जो नेपाल छे एटा बड़का मतलब जे अपन सिया के छिमेकी छो नि बड़का बड़का देश के बीच में अपना का इटा दुयोर देश के वह तो मतलब इटा दुयोर देश के बैलेंस में राखी के मात्र अपना से मतलब अगाड़ी बढ़े सकते क्योंकि हमारे सिया के राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्थिति एकदम मतलब जैसे स्लोली मतलब अगाड़ी बढ़ी रहा है लेकिन यहाँ पर दुई मत चाइना देख अखने कति पुगल छू ना यहाँ इंडिया देख कति पुगल छू देश से कोई भ्रमण में जैसे वही नहीं है गप सप कर सी ये सी ये उतना अनुदान देती ये उतना अनुदान देती आरना देश के देखे बाहर में जैसी भ्रमण करी जैसी वो कर सी उत्कर ना के बिल्डिंग देखी गई सी उत्कर ठामना के देखी गई सी अपन देश हम तो बना सी नहीं वह तो जिन्हें हमें कौन तो हमें तो हमने कौन जिन्हें की जे प्रधानमंत्री है इंडिया जैसे चाइना जैसे अथवा जापान अमेरिका कथो जैसे ना सीखी तो ये जा जा सिक्की के से ताऊकर सरकारे ढाले बला अवस्था है कालकर तला के पोजीशन तो इटा नहीं रहलो वो कुनो कर ही नहीं सकते क्या क्योंकि इटा व्यवस्था खराब है हाँ आज वकरा कालू वकरा परसू वकरा जगर बहुमत मिलो वो तो ये खातिर अखने जो वाम गठबंधन के पक्ष में मतलब बहुमत ये लोचे ने पाँच वर्ष तो कंटिन्यू जे हेती तो सरकार प्रमुख तो पाँच वर्ष हेती नहीं तो ऊ तो मतलब पाँच वर्ष में कुछ कर सकते जे देखी के लिए कार्यान्वयन कर सकते अखन टिका के परिस्थिति देख नहीं मतलब यहाँ मर शांति प्रक्रिया से इम्हर 64 साल से अखन 74 साल तलक कैटा सरकार चेंज हलो 8-9 सरकार चेंज भेलू बनलू फिर चेंज भेलू ने 9-9 महीना में चेंज भेलू तो जगह कारण से मतलब कोनो खाचा मतलब खाका बनाए मतलब बजटे आने नहीं सके लेकिन इटा अखने जे सरकार बनती ग्रेंटी है कि 5 वर्ष चाहे ऊ अपन बजट आने सकते बुझे न तो ये खातिर अब कुन कुन क्षेत्र में कि बक्स लगानी करू तो 5 वर्ष तो हाथ में तो पहलकर ना सरकार तो बजटे नहीं आने सके ता गिरी जाए अध्यादेश मार्फत से मतलब बजट आने कुन मतलब मिनी दे के आने झल दे के आने ये बस चलाओ सरकार कहियो सरकार घर घर में पाइप गैस देवे कही मीटर गैस देवे कही नहीं वह तो इन मतलब अब शुरुआत हेते अब कुन कुन कर सको तत्काल हम तोरा कहूँ नी कुन काम ई बोक से कि मतलब जेना काम 10 वर्ष लगे सकते कुन काम ई बोक से जे काम हमारा का तत्कालीन दिए सकते जिन कि तत्कालीन दिए वाला जिन कि वृद्ध वृद्ध सौके बुढ़ाना के बुढ़ियाना के 5,000 दू कही हमारा का वोट मांगनी छे तो अखने कहना 1,000 पे ना आउ कर सके 5,000 जे सरकार हमारा का जेबी जखने जेबी पहलो निर्णय हेती कि 5,000 ओकरा का पेती बुढ़ा बुढ़िया ना हाँ 100% श्योर मतलब 5,000 ओकरा का पेती बुढ़ा बुढ़िया ना ने जे जे मतलब वृद्ध भत्ता अखन ठेका के पेछी ओकरा से 5,000 पेती मतलब जिरंग ना तत्कालीन करे वाला काम भेलो मान लियो अखने मतलब 4 लेन 6 लेन के बाटो विराटनगर धरान बनी रहल छ तो इटा तो दीर्घकालीन योजना नहीं भेलो अखने तुरंत के तुरंत बनाऊ नहीं सकबे एहरे मतलब दीर्घकालीन अल्पकालीन कार्यक्रम सब छे जेना कार्यक्रम हमरा का तत्कालीन साके वाला तत्कालीन करबी दीर्घकालीन जे 5 वर्ष में अथवा 2 वर्ष में 1 वर्ष में संपन्न करे वाला ना 1 वर्ष में करबी जनकि हमरा सेक सरकार कहल छ जते जते मतलब जतने नगरपालिका ना बनल छु नगरपालिका भितर में कमती में जतने बाटो ना मेन ना रिंग रोड ना छु अथवा मेन बाटो ना अवश्य छ हमरा का कालो पत्र करबी इना भेली 5 वर्ष भित्र म करे सकबे हमरा का इना योजना अखने भर्खरे सुनेन कि इब्री साल मतलब कृषि आधुनिकीकरण प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम छ नि 10 वर्ष कार्यक्रम योजना बनल छ इब्री सालकर मतलब समीक्षा भेली जम्मा 62% मात्र खर्च करे सकल के तो बाकी खर्च काम नहीं आ सकल के यदि उना पैसा खर्च लेत ना तो मतलब
किसान त अगाडि बढ्दैन नि अहिले मतलब देशकै आर्थिक जति बजेट छ सौना बजेट कहियो खर्च गर्न नै सक्छ जेन मैले तँसँग 100% छु 100% त्यहाँ कुनै काम गरे लेकिन बनला योजना त त्यहाँ 50% मात्रै खर्च गर्छ 50% तोर गोजिएम रहेछ त विकास किन हेतु त यही खातिर हाम्राका हाम्रो सरकार जखनै भन्थे 100% नै हेति फेरि मतलब 95 या मतलब 96-97% मतलब तत्कालीन खर्च हुन चाहिँ क्या मतलब विकासमै छ त विकासमै जेन कि चार चरणमै काम भ्यारल छ नि प्रत्येक तिन तिन महिनामै समीक्षा छ लेकिन पहिलो चरणकै काम दोस्रो चरणमै गर्छ दोस्रोकै तेस्रो तेस्रो चौथो चौथो चरणकै काम हेभी नै गर्छ त मतलब इटा ढिला सुस्ती जे भ्यारल छ यिनीहरूकै रोके पर्थे तँलाई तिन महिनाभित्रमा जे काम गरे कल छ तिन महिनाभित्रमा गर्ने त्यहाँ सम्पन्न गर नै गर्छ त कुन कारणले नै गर्छ यता वाम गठबन्धन सरकार मतलब कडाइ गरे पर्ले बुझ्ला नि नगरमे प्रत्येक नगरमे तखन जिरङ्गी अर्थमन्त्री महरा रहे तँ प्रत्येक नगरमे कुनो नगर 25 करोड, 30 करोड, 40 करोड, 50 करोड महानगरपालिकाले अरब पैसा पठाइदेल कि नि त उना पैसा कहाँ खर्च गरिसकल कि कुन कारण चाहिँ खर्च नै भयो उना वा त पैसा त गर्छ खातामा छ लेकिन खर्च गरे नै सकल कि काम नै सकल कि काम नै सक्ला त यिना एवम् कुरा मतलब सरकारमा रहेको हाम्रो कडाइ गरे पर्ला बुझ्ला जे जे कामकै लागि जे र योजनामा पठाउला छ उटा योजना मतलब चलिरहला छ कि नै चलिरहला छ वा ठेकदार ढिला सुस्ती गरिरहेको छ कि कर्मचारी ढिला सुस्ती गरिरहेको छ कि वा जनप्रतिनिधि ढिला सुस्ती गरेर ककर चाहिँ ढिला सुस्ती भइरहेको छ ओकरा तुरन्त मतलब समीक्षा अन्तर्क्रियाका अगाडि बढाए पर्थ्यो यदि एवम् तरिकासँग हाम्राका अगाडि बढ्यो त हाम्रा नै लाग्छ 5 वर्ष कुरे पर्थ्यो 2 वर्षमै परिणाम देखाउ सक्छन् हाम्राका जिरङ उदाहरण प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भेलु न प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हेलको बादमा कोही सोचला रहे एउटा देशमा लोड सेडिङ मुक्त यति कोही नै सोचला रहे ऊ 9 महिना मतलब सरकारमा रहे ऊ एउटा देशमा लोड सेडिङ मुक्त क्या दिएको सम्भव होइन एउटा व्यक्ति मात्रै सम्भव नै नि छ मतलब यदि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नै कुलमान घिसिङ त प्राधिकरणकै ऊ अध्यक्षले नै मतलब ऊ प्रमुख भेले लेकिन मन्त्री जनार्दन रहे प्रधानमन्त्री तर जाके प्रचण्ड रहे यदि उनी तिनजना कोर्डिनेसन नै मिल्ने हत न त उटा काम सम्भव रहले त नै हेले त प्राधिकरणमा त अध्यक्ष त आरो नै आदमी आवे प्रधानमन्त्री आरो न आवे मन्त्री आरो न रहे त काम सम्भव नहले त उटा मतलब सकुसो मिले पर्छ कि सकुसो जब तक नै मिल्दो तब तक नै हुन्थ्यो त यही खातिर मतलब उटा स्तरीय कुलमान घिसिङको जे छ जनार्दन शर्माको जे छ प्रचण्डको जे छ त यही खातिर यदि उभक योजना उभक प्रधानमन्त्री उभक मन्त्री नै लेत न त कालो मतलब जे छ कर्मचारी नै टेरि दिलको थिएन मन्त्री नै टेरि दिलको थिएन प्रधानमन्त्री स्वीकृति नै दिलको थिएन त यिनीहरू त सञ्जाल नै छ मतलब यिनी देशको विकासमै अवरोध गरेवाला सञ्जाल छ एउटा सञ्जालकै तोडे लेकिन अक्षरै सम्भव छ नै छ त यही खातिर सबका मतलब मिले पर्थे जे मतलब एउटा देशको समृद्धि जे एउटा देशको विकास चाहन्छन् हाम्राका त वाम गठबन्धनमै एउटा मतलब पावर एउटा मतलब छ जे र मतलब ऊ गरे सक्छ एकैछिन फेरि बातचित रोके चाहन्छु जेकि तोसी नभए थारुभाषा कार्यक्रम हाम्रो समाज देखिरहला छ कार्यक्रमकै लागि अन्तिम व्यापारिक विश्राम लिन चाहन्छु कार्यक्रमकै अन्तिम व्यापारिक विश्रामकै बाद फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु तोरीसेनको मनपसिन थारू भाषा कार्यक्रम हाम्रो समाजमा जेकि हाम्रो सिन कार्यक्रमकै अन्तिम अन्तिम दिशा चलिलिस अन्तिम अन्तिम दिशा दुई तिनवटा बात ओकरसँग हामी लिएर चाहन्छौँ फेरि स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद अखनि आफ्नो मोसफल दिशा नभौँ इठरिय दिशा नभौँ जेकि बाढ आविके 4-5 महिना अहिले अनि इठरियमै एकदमै कम्ली बाढी पीडितसम्म एकदमै दुःखदायी अवस्थामा छ भोट त मतलब जकर भोट लिस्टमा नाम रहेको ओकरा त भोट दिल्के भोट दाके जितिकै चल गेली अखन त अखन इनङ झार मे देखे किन कष्टकर रूपमे रहिरहला छि खोइ कहाँ बुझिदेछ इन वा त मतलब हम त तखनै कनो नि हजुर कि नयाँ जनादेश चलेली वाम गठबन्धनको पक्षमा नयाँ जनादेश चलेली लेकिन पुरना र सरकार चाहिँ ऊ छोडै नै चाहन्छ कुर्सी त अखनकर दायित्व त अखने जे सरकारमा छ ओकर दायित्व नि छ जे जिति गेल छ ओकर सिया त मतलब अखने त पद भार त सम्हाले नै पेल छ त यही खातिर ओकराका छोडि नै रहल छ करो नै साकिरहल छ क्या त यीटा कारण चाहिँ मतलब समस्या पैदा भए रहल छ अखने एन जाडामे मतलब यतना त्रिपालमे रात बिताएर रहल छ त अखन ठ्याक कुन देखे किटा सरकार एकरसँग पैसा नै छ कि एकरसँग कुन नै छ कि त कहिले सागे पर्ले नि त हाम्रोसँग पैसा नै छ
इतने जो मतलब विदेशी सब इतने संस्था सब डोनेट जो करलो छे प्रधानमंत्री कोष में तो ना हाँ वह तो उन्हें तो खर्च करे पड़ली तो ये खातिर मतलब इटा सरकारी जो छे ना खने जो सरकार काम चलाव सरकार जो छे ने आशीर्वाद देवा की इटा सरकारी एकदम अच्छे सरकार मतलब कुनो काम करे लगिन मतलब जो ने साकी रहला छे एकदम ढिलाई एक टा मतलब कुनो काम है छे ने परिणाम निकालम अखन ठेकले 9 महीना 10 महीना पहले इटा सरकार चलला तो अहाँ कौन कौन काम कर रहे हो मतलब जनता बुझे जो कर तो मतलब दिए साके पर लो ना एक दो तीन कौन कुछ होना है हाँ अंतिम दिशा चले लिस जबकि समय के एकदम कमती समय थी जेते जेते कौन कहे चाहे जनता समझे हमें यार कहे चाहे कि मतलब जरा इटा मतलब कार्यक्रम मार्फत हमारे समाज कार्यक्रम मार्फत मतलब बोले दिए लेकिन इतने मतलब हमरा समय दिल के तो एक खातिर हम धन्यवाद इटा यूनिट के आ दूसर बात मतलब हमरा से बाम गठबंधन के तरफ से खास क्या के मतलब जल्दी से नया सरकार बना के हमरा का प्राय परिणाम मुखी मतलब जनता के काम कर लेकिन चाहे रहल इटा मतलब संभवतः माघ पहिलो हप्तासम्म हमरा का कुछ दिए सकबे कह के यार प्रतिबद्धता जाहिर कर लेकिन चाहसन धन्यवाद मेजर के रूप में आबी के बातचीत करी दिले दो तीन शब्द राखी दिले इटा के लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछु जे कि अपने हमर संगे बातचीत जोड़ी रहल छली सुनसरी जिला के केंद्रीय सदस्य तथा ओइने करी के पूर्व सभासद संतोष थारू जी हमर संगे रहले बातचीत जोड़ी देलके बहुत बातचीत जोड़ल के ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछु तोसिन के इटा कार्यक्रम किनेंग लाग्छु कुन सलाह सुझाव छु जनता अवश्य भी तोसिन सलाह सुझाव देबे सक्छ सलाह सुझाव के लागि टेलिभिजन स्क्रिन में नम्बर ना दोहोरि रहल छु यहाँ नम्बर में सम्पर्क करके तोसिन सलाह सुझाव देबे सक्छ आर ओइने करके अपन सिके समाज के लागि किनेंग खलक कार्यक्रम के आवश्यकता छ योरा के बारे में तोसिन सलाह सुझाव देबे सक्छ जे कि हमरा 1 घंटा तक कैमरा दिसन साथ देलकी तीन जना जे कि ओकसी रहल छली जयराज आर ओइने करके कुशल आर विनय के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते दोसर हप्ता भेटे के बाजा राखते आज हम इटा कार्यक्रम से विदा हेबे चाहछु नमस्कार देखते रहन एरिना टेलीविजन।